कुछ दिन अपने मायके चले जाओ थारा, ये होने वाला बच्चा और थे दोनों सुरक्षित रहोगे। मैं अपने मायके नहीं जाऊंगी। सारे कोई भी मेहमान को इस हवेली की चौखट पे पैर रखना तो क्या, हवेली के आसपास भी भटकने ना दूंगी। देवी की बुआ क्या राजावत खानदान में एक नया तूफान लेकर आएगी, देखते रहिए। माँ जी साहब, ओ चुहिया केसर बिंदड़ी ने वो दूध में केसर मिला दियो। और थारी उर्मी ने उसी दूध में सीसा पीस के मिला दियो। थे रहने दो, थे बस दूध पियो, अपनी सेहत का ध्यान रखो। थे भी ना बुआसा, मैं कब से आपको फोन लगा रही थी। हाँ बिट्टो, मैंने देखा तूने बहुत सारे कॉल किए थे। I'm so sorry बेटा, पता नहीं मैंने फोन कहाँ रख दिया था। अच्छा, तेरे इतने सारे मिस कॉल देखे मैं तो डर ही गई। तू ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, बस मुझे आपसे बात करनी थी बुआसा। एक मिनट रुकिया। जेठानी साहब, वो मैं अपनी बुआसा से कुछ बात करना चाहती हूँ अकेले में। हाँ हाँ बिल्कुल करो, पर उससे पहले थे ये दूध खत्म करो। जब तक ये दूध खत्म ना होगा ना, थारी बहन यहाँ से ना जाएगी। दूध पियो थे। हाँ बेटा, क्या हुआ? हाँ वो ऐसा सब ठीक है, मुझे आपकी याद आ गई तो मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ। मैं, मुझे ना थोड़ी थकान महसूस हो रही है, आपसे बाद में बात करूँ? कर लेना पर फोन। जी बुआसा। आज भी मैं बुआसा को सच नहीं बता पाई। छोटे अधिराज, ये लो, मैं बोली थी ना थारी को ये दूध पी लो, गिर गया ना दूध सारा। फिर रुको, इधर आओ, रुको। क्या किया छोटे अधिराज? हटो तिवरानी साथे। दीजिए, मैं कर दियो, दीजिए। रुको, रुको। हे भगवान, क्या हो गया देवरानी साहब? ओह हे भगवान, ये खून! कांच, किसी ने दूध में कांच पीस कर मिलाया था। मुझे बचाने के लिए तुम यहाँ आए थे ना? ना छोटे अधिराज, तुम सच में गणेश जी के वाहन हो, जिनको उन्होंने खुद भेजा मेरी जान बचाने के लिए। थैंक यू। जेठानी सा, इस रजावत खानदान में मैं चौहान की लड़की हूँ, दुश्मन की लड़की। क्या कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, कितने अत्याचार हुए, यहाँ तक कि मेरी जान लेने की कोशिश भी की गई। लेकिन इस बच्चे की जान, एक कहावत है कि लोगों को मूल से ज्यादा ब्याज से प्यार होता है। मुझे लगा कि मासा भी अपने बेटे से ज्यादा अपने पोते से प्यार करेगी, लेकिन उन्हें अपने पोते की जान लेने की कोशिश की उन्होंने, और उनकी नफरत ने तो एक कहावत के मायने ही बदल दिए। जेठानी साहब, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा,
जिसमें रजावत खून है वही खून है जो मासा में है। देवरानी साहब थे हमारी बात मानो ना तो कुछ दिन अपने मायके चले जाओ, थारा ये होने वाला बच्चा और थे दोनों सुरक्षित रहोगे। नहीं जेठानी साहब, मुसीबत का सामना करने के बजाय भाग के चली जाओ। नहीं, मैं अपने मायके नहीं जाऊंगी, बल्कि जो लोग जिनसे मुझे साहस और शक्ति मिलती है उनको अपने पास रखूंगी, ताकि मुझ पर और होने वाले इस बच्चे पर अगला वार करने से पहले मासा एक बार नहीं हजार बार सोचे। थे पता भाई साहब, विदेशियों के साथ भी सौदा किया है आपके याद दिड़े, और यह सुजानगढ़ के अंदर मासा के नाम से मॉल खोलने लगे हैं हम लोग। आदि को पैसों का क्या हुआ, इंतजाम हुआ या नहीं? क्या हुआ भाई साहब, थोड़े बदले बदले लागे हमारे को, मारा मत बोला कि घनी जल्दी में हो। खैर कोई ना, थारे पैसों का इंतजाम तो कर दिया है मैंने, थारे से वादा जो किया था तो यो है थारे 5,00,000 रुपए। थैंक यू आदि, तूने अपना किया हुआ वादा निभाया। अब थारे को पता है भाई साहब, थारे जाने के बाद अब क्या देना, एक चीज सीखी है धंधे में, और वो यो कि अपना वादा पूरा कराने के लिए ना शर्त रखनी पड़ती है। अब आप ही देख लो, आपसे भी अपना वादा पूरा कराने के लिए मैंने एक शर्त रखी कि आप जो है एक अच्छा बींद बन के सारी जिम्मेदारियां निभाओगे। और यो पूरा दफ्तर आपका है, आपको अलग से वो भी दिया है जहाँ पे आप बैठ के काम भी कर सको, तो काम करो धंधा करो, मारे को खुशी होगी कि मेरे बड़े भाई साहब हमारे साथ काम करें। मैं चलो। किरण, किरण पैसों का इंतजाम हो गया है, अब सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी, अब हम अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करेंगे। बस जितनी जल्दी हो सके हम मुंबई वापस चले जाएंगे, यहाँ हमारे प्यार को समझने वाला कोई नहीं है। ओके, बाय, लव यू। चाल तो बड़ी चोखी चली है इस बार हीरा रजावत ने, और अब तक केसर बिंदणी ने वो छोरी को दूध भी पिला दिया होगा। तुम्हारे जीत की जश्न की गूंज मारे को क्यों ना सुनाई दी। लगे मारा शिकार मारी जाल में फंस गया। चल देखे तो सही कि के हुआ। माजीसा, माजीसा, माजीसा मार को माफ कर दो, माजीसा, माजीसा मार को माफ कर दो, माजीसा तारे आगे हाथ जोड़ू मैं, हरी बिंदड़ी को माफ कर दो माजीसा। के बके हैं केसर बिंदड़ी, पता हमारी चाल कामयाब हुई कि ना? ठीक है, आपके इस रिश्ते को इस घर में शायद कोई नहीं समझ सकता, लेकिन भाई साहब क्या आपने कभी कोशिश की समझने की? मेरा मतलब एक तरफ आप हैं जो एक तो और ही जिंदगी जी रहे हैं, वो भी अपनों से दूर, और दूसरी तरफ आपकी पत्नी जिन्होंने शादी के बाद उस हवेली में एक एक दिन आपके इंतजार में काटा है, कभी दुख नहीं हुआ आपको उनके बारे में सोच कर? देखिए भाई साहब, वो आपके ऊपर है कि आप इस सच्चाई को इस दुनिया के सामने लाना चाहते हैं या नहीं, लेकिन मैं हाथ जोड़कर आपसे एक ही विनती करना चाहूंगा, जितना जल्दी हो सके अपने इस सच को उस घर के सामने लाइए और अपना एक ढोंग छोड़ दीजिए। ढोंग? किसी और को गलत साबित करना बहुत आसान लगता है ना तुम्हें, तुम्हें अंदाजा भी है जब सारा समाज तुम्हारे खिलाफ हो तो कैसा महसूस होता है। क्या कहा तुमने, जिंदगी? मैं जानता हूं कि कितना मुश्किल होता है ये जिंदगी जीना, सांसें घुटती हैं,
लेकिन ये मत समझना कि अगर मैं एक आदमी से प्यार करता हूं तो इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारे समाज के दायरे में ठीक नहीं हूं। ठीक तुम्हारा ये समाज नहीं है। प्यार फर्क नहीं करता, ये फर्क हम इंसान करते हैं। ये हुआ बकेगी मातिसा, ते तो जानो ना, मैं देवरानीसा के लिए वो केसर वाला दूध लेकर गई थी तो वो देवरानीसा से गिलास छूट गया और वो पूरा दूध गिर गया मातिसा। क्या हुआ? हाँ मातिसा, मैं बोली कि देवरानीसा तारे को सावधानी बरतनी चाहिए थी, तुम तो माजीसा मार को खड़ी खोटी सुना दी, बोले लगी तू कौन है मार को समझाने वाली। माजीसा मैं ही बावरी थी जो उनकी हर बार मदद कर देती, ते बिल्कुल सही थे माजीसा, अपने भोलेपन के जाल में मार को भी फंसा दिया उन्होंने। माजीसा अब मैं कोई भी मदद ना करूंगी उनकी। मार को तो लगे कि वो रजावत में मार से पहले वारिस दे रही है ना, तो हमारे साथ में कैसा भी बर्ताव करेगी। कोई भी मदद ना करेगी देवरानी सा की। किरण, 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 ये किरण बिना, अगर आदि या किसी ने हम दोनों को यहां देख लिया तो ना जाने उनके सवालों का जवाब मैं दे भी पाऊंगा या नहीं। किरण, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। डर गए तुम? मेरी डर का एहसास है तुम्हें? सारी परेशानियों के बीच में मुझे अकेला छोड़कर यहाँ पे अपने परिवार के पास लौट आए हो और कह रहे हो मैंने तुम्हें डरा दिया? हे किरण, ऐसा नहीं है, मैं तो यहाँ बस अपने भाई के बिजनेस में थोड़ी मदद करने आया हूँ। थोड़ी मदद? मुकुंद रजावत, ये सब देखकर लगता है कि तुम थोड़ी नहीं काफी मदद कर रहे हो। अरे साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम मुझे अकेला छोड़कर यहाँ अपनी एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हो? किरण, तुम सच में डर गए मुकुंद? इस समाज से, अपने परिवार से, क्या कहोगे उन्हें कि तुम मुझसे प्यार करते हो? नहीं कह सकते हो ना, इसलिए सोचा कि घुट घुट के जीने से अच्छा है यहाँ एक आराम की जिंदगी जी लूं। किरण, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं कुछ नहीं भूला हूं, मुझे सब याद है। हमने साथ जीने मरने की कसमें खाई थी, नहीं भूला कि, और ये भी कसम खाई थी कि हम हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देंगे, कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। मैं यहां तुम्हारे लिए आया हूं, तुम्हें हमारे रिश्ते पर भरोसा नहीं है? बच्चा नहीं हूं मैं, सब समझता हूं। बड़े घर का बड़ा बेटा, बड़ा परिवार, बड़ा कारोबार, सुंदर बीवी, ऐसी आलीशान जिंदगी छोड़कर कौन जाना चाहेगा? क्यों, फिर मुझे भूल जाओगे ना, है ना? ये जो इस नकली समाज में अपने इस वजूद को भुलाकर एक नकली जिंदगी जीने जा रहे हो ना, वो पागल बना देगी। मेरी बात सुनो। तुम मेरी बात सुनो, अगर तुम मुझे बीच में छोड़ के गए ना, तो जो सच्चाई तुम अपने परिवार से छुपाना चाहते हो, वो सच्चाई को तुम्हारे परिवार के सामने लाने में मुझे जरा भी टाइम नहीं लगेगा। इसकी नौबत कभी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। अरे सीता, लक्ष्मी, पार्वती, कहाँ हो सब लोग? कहाँ गए सब? गांव चले गए क्या छुट्टी मनाने? जी बहुरानी सा, हुकुम। लिखो अपनी बहुरानी सा का हुकुम। मुझे ना एक गर्मा गर्म चाय चाहिए, अदरक डाल के, आज रात के लिए ना।
एकदम घी में डूबा हुआ दाल बाटी चूरमा बनाना है सबके लिए, इतना स्वादिष्ट कि सब अपनी उंगलियां चाटते रह जाए। ठीक है जी हुकुम। अरे अभी तो खड़े हो यहाँ पर, जाओ जाओ तैयारियाँ करो। जी बहुरानी सा हुकुम। क्या बात है, कल की नौकरानी आज महारानी कैसे बन गई? ऐसा कौन मेहमान पधारने वाला है जिसके लिए हवेली माँ 56 भोग बनाए जा रहे हैं? बिल्कुल सही सोचा आपने। हाँ इस हवेली में कोई पधारने वाला है जिन्हें देखकर जिनकी मौजूदगी से आपके रूखे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। सारे मेहमान को देख के मारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। पागल हो गई है के कि थारे दिमाग का पेज ढीला हो गया। थारे कोई भी मेहमान को इस हवेली की चौखट पे पैर रखना तो क्या, हवेली के आसपास भी भटकने ना दूंगी। अरे रामू। अरे सुनिए, आपको पता है मासा ने क्या कहा? आपने सुना? थारे से कहा है ना कि थारे को चीखने चिल्लाने की जरूरत ना है, यो वक्त थारे को अपना ख्याल रखना है, वो जरूरी है। और तू क्या चिल्ला रही है, चला बैठ यहाँ पे। अरे पहले बात तो सुनिए मेरी। देखिए आप पूरा दिन दफ्तर में रहते हैं, रात को लौट कर आते हैं, आपको पता है पूरा दिन इस घर में मैं बहुत अकेली हो जाती हूँ, बहुत डर लगता है मुझे। आपको कैसे पता होगा, मुझे ना कोई चाहिए जिनके साथ मैं बात कर सकूं, हंसी मजाक कर सकूं, जो मुझे समझे, जिनके साथ मैं सुख दुख की बातें कर सकूं। तो थारा कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब यो है पतिदेव कि कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ। के? हाँ अब साथ तो मेरे घर से किसी को इस हवेली में कदम भी नहीं रखने देगी, आसपास भी नहीं भटकने देगी, तो फिर मैं ही। यूं तो घनी दिक्कत है, तो रुक। कैसी है तुम? एकदम अच्छी। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, कितनी प्यारी लग रही है। अच्छा तुझे पता है मैं तेरी सबसे जो अच्छी अच्छी चीजें है ना सब लाई हूँ तेरे खाने के लिए। थैंक यू। अब थारा भी तो थारे मन की बात नहीं पढ़ूंगा, हमारे बिन होने का क्या फायदा? आपको पता है जब दो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ना तो बातें बतानी नहीं पड़ती शब्दों में, ऐसे ही पता चल जाती है। आप बिना कहे ही मेरी बात समझ गए। देखिए ना, आप बुआ सा को लाए यहाँ पर मेरी देखभाल करने के लिए। थैंक यू। कितने खुशनसीब हैं हम कि हमें अधिराज जैसा दामाद मिला। यहाँ हमारी बेटी ने खुशखबर दी कि वो माँ बनने वाली है, उधर ये मुझे यहाँ ले आए देवी की देखभाल करने के लिए। इस समय देवी को मेरी जरूरत पड़ेगी, इसका ख्याल था ना आपको? मासा पूरा दिन तो ये दफ्तर में रहते हैं, रात को ही घर लौटते हैं, अब पूरा दिन मेरी देखभाल कौन करेगा? एक माँ की तरह मेरा ख्याल कौन रखेगा? कोई तो होना चाहिए ना। आप तो इतनी बड़ी है, ये काम करने के लिए मैं आपको कैसे कह सकती हूँ? और मैं तो सबसे छोटी हूँ यहाँ पर, इस हालत में अगर मेरे पैर दर्द करने लगे तो मैं आप में से किसी को कैसे कह सकती हूँ मेरे पैर छूने के लिए? नहीं लगेगा ना मासा, बहुत पाप लगेगा मुझे, नरक में जाऊंगी मैं तो। इसलिए अच्छा किया अधिराज ने जो बुआसा को लाए। आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, पूछ सकती हूँ?
कहिए के पूछना है आपको। आप बेटों की छोटी छोटी चीजों का इतना ख्याल रख रहे हैं, तो ये आप अपनी पत्नी के लिए कर रहे हैं या सिर्फ अपने होने वाले बच्चे के लिए?